हेलो फ्रेंड्स, देसी तड़का चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुधा आपके लिए लेकर आई हूँ एक शानदार रेसिपी, लौकी का कोफ्ता। इस लौकी के कोफ्ते की ये खासियत है कि इसमें टमाटर का यूज नहीं किया गया है और फिर भी यह बहुत ही स्वादिष्ट बना है। क्योंकि टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं और टमाटर की सब्जी बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, तो इसलिए मैं आपको इस रेसिपी में ये भी बताऊंगी कि आप बिना टमाटर के सब्जी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी अगली रेसिपी, लौकी का कोफ्ता। तो ये लौकी का कोफ्ता बनाना ही बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए बनाते हैं हम लौकी का कोफ्ता। लौकी का कोफ्ता बनाने के लिए हमें चाहिए एक लौकी, जिसको हमने यहाँ पर छिलकर रख लिया है। छिलने के बाद भी आप इसे धो लीजिएगा और फिर इसे कद्दूकस कर लीजिए। आपको लौकी बारीक कद्दूकस करनी है, कुछ इस तरह से आप इसे कद्दूकस कर लीजिए। सारी लौकी को कद्दूकस करने के बाद इसके हाथों से दबाकर कुछ इस तरह से पानी निकाल लीजिए। हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं, ये पानी हम आगे यूज करेंगे। अब हम एक बड़े बाउल में कद्दूकस की हुई लौकी लेंगे। और उसमें डालेंगे 1 कप बेसन। और आधा चम्मच गरम मसाला। एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। और थोड़ा सा सोडा का यूज करेंगे। और एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। अब इन्हें हाथों की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। हमने यहाँ पर पानी का यूज नहीं किया है क्योंकि हमारे लौकी में अभी भी अतिरिक्त पानी है। अगर आपको पानी का यूज करना है तो आप कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए घोल कुछ इस तरह से बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। हम कोफ्ते को अप्पम मेकर में बनाएंगे क्योंकि इसमें कम ऑयल का यूज होता है। एक ब्रश की सहायता से आप अप्पम में तेल लगा लीजिए इस तरह से खाने में, और हाथों को गोलाकार देते हुए बेसन को एक एक खाने में डाल दीजिए। दोनों तरफ से पलट पलट कर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। लीजिए, हमारा कोफ्ता तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब हम आपको वो सीक्रेट बताएंगे जिसे आप किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं टमाटर की जगह। इसे डालने के बाद आपको टमाटर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो चलिए बनाते हैं हम वो मसाला जो कि टमाटर की जगह यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 1/4 कप बेसन लिया है। बेसन को हमने अच्छे से पहले भून लिया है। दो से तीन चम्मच के करीब आमचूर पाउडर, अच्छे से बंद कर कर एक डिब्बे में रख लिया है और इसका हम यूज टमाटर की जगह कर सकते हैं किसी भी सब्जी में। तो चलिए अब हम कोफ्ते की ग्रेवी बनाते हैं। कोफ्ते की ग्रेवी बनाने के लिए हम एक पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें लहसुन, मिर्ची और बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। यहाँ हमने दो मीडियम साइज की प्याज ली है और 5 से 7 फलियाँ ली हैं लहसुन की, और 2 हरी मिर्च लिया है, और इन्हें अच्छे से भून कर हल्का गुलाबी फ्राई कर लीजिए। और इसमें डालेंगे 2 लौंग, 8-10 काली मिर्च, आधा इंच दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा जीरा, 1/4 चम्मच जीरा ले सकते हैं। सभी मिश्रण को मिला लीजिए और जब हमारा प्याज हल्का गुलाबी हो जाए तो हम इसे भून कर निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। और फिर एक पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें तड़का लगाएंगे चुटकी भर जीरा, 2 तेज पत्ता और 2 लाल मिर्च का, खड़ी लाल मिर्च का हम यहाँ यूज करेंगे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला। हमें तेल में ही मसालों को भूनना है, इससे अच्छा फ्लेवर आता है और आसानी से पक भी जाता है। और इसमें डालेंगे हम अपनी प्याज की ग्रेवी, जो हमने प्याज की ग्रेवी पीस के बनाई है ना, वही यहाँ पर यूज करेंगे। और ये अच्छे से मिक्स कीजिए और 2 मिनट तक पकाइए। जब मसाले हल्के तेल छोड़ने लगे तो हम इसमें ऐड करेंगे काश्मीरी लाल मिर्च का। यहाँ हमने 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाली है। काश्मीरी लाल मिर्च डालने के से हमारे ग्रेवी का कलर रेड आ जाएगा, जैसे टमाटर से लाल कलर आता है ना, बिल्कुल वैसा ही। फिर इसमें जो हमने वहाँ पाउडर बनाया हुआ था बेसन और अमचूर का, टमाटर की जगह यूज करने के लिए, वो हम यहाँ पे डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। बेसन हम यहाँ पे इसलिए डालना है कि ग्रेवी टमाटर के बिना भी उतनी ही गाढ़ी बनेगी जितनी हम टमाटर डालकर बनाते हैं। तो आप चाहे तो जो हमने टमाटर के लिए पाउडर बना के रखा था ना, आप उसमें पहले से ही कश्मीरी लाल मिर्च डाल के रख सकते हैं, तो जिससे आपको टमाटर की जगह उसका कलर भी मिल जाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे लौकी का बचा हुआ पानी और फिर स्वाद अनुसार नमक। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। और इसमें हाथों से मसल कर कसूरी मेथी भी डाल दीजिए। और अब आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उतना पानी डालकर इसे चलाइए। मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 कप के करीब पानी लिया है। आपको जितना पानी चाहिए ग्रेवी में उतना आप यूज कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा यूज मत कीजिए। और 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ दीजिए।
लीजिए, हमारा ग्रेवी तैयार है, अब हम इसे सर्व करते हैं। तो सबसे पहले एक बर्तन में हम कूपते रखेंगे और फिर उस पर डालेंगे तैयार की हुई ग्रेवी। ये ग्रेवी हमने बिना टमाटर के तैयार की है, देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। और ऊपर से डालेंगे क्रीम या मलाई। वाह, क्या शानदार कोफ्ता तैयार हुआ है! यकीन मानिए, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। अगर आप क्रीम का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप बिना क्रीम के भी इसका यूज कर सकते हैं। तो फिर फटाफट इसको बनाइए, वो भी बिना टमाटर के, और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए कितना सॉफ्ट बना है। तो फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।